दरभंगा के बहरी दुबौली में कोचिंग जा रही छात्रा को बेकाबू ट्रक ने अपनी चपेट में ले लिया। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस ने इसे इलाज के लिए डीएमसीएच भेज दिया, जहां डॉक्टर ने उसे पीएमसीएच रेफर कर दिया। उधर घटना से आक्रोशित लोगों ने लहरियासराय बहरी सड़क को जाम कर दिया। इस वजह से जिला मुख्यालय जाने वाले सड़क को अवरुद्ध हो गए। लोगों ने कहा कि परिजनों को मुआवजा चाहिए। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वाधान में एडवेंचर कैंप कार्यक्रम के लिए विश्वविद्यालय स्तरीय चयनित दल को माननीय कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर कुलपति ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि अनुशासनबद्ध होकर एडवेंचर कैंप के नियमों का पालन करेंगे तथा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की गरिमा और आदर्श को स्थापित करेंगे। ज्ञातव्य हो कि एडवेंचर कैंप में चयनित छात्र छात्राएं कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर सोनी शर्मा के नेतृत्व में अटल बिहारी वाजपेयी के इंस्टीट्यूट ऑफ मॉनिटरिंग एंड एलाइड स्पोर्ट्स धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में अपनी सहभागिता देंगे। स्वच्छता अभियान के तहत दरभंगा रेलवे स्टेशन पर जागरूकता अभियान चलाया गया। इसके मद्देनजर आरपीएफ SSCHI नारायणा सेवा संस्थान देव डीएवी पब्लिक स्कूल दरभंगा सभी मिलकर वरीय पदाधिकारी रविन्द्र वर्मा PCSC ECR हाजीपुर DRM ADRM SIR DSC RPF समस्तीपुर AS त्रिपाठी के दिशा निर्देश पर जागरूकता अभियान के तहत यात्रियों को जागरूक करने के लिए रैली और नुक्कड़ नाटक किया गया। इसके अलावा विभिन्न अभियान में स्वच्छता के बाबत यात्रियों को गंदगी न फैलाने, गंदगी फैलाने वाले को रोकने, दैनिक जीवन में प्लास्टिक का उपयोग न करने जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, जिसे बच्चे ने अहम भूमिका निभाई और नुक्कड़ नाटक किया। भाकपा माले की जिला कमेटी की विस्तारित बैठक भाकपा माले कार्यालय में हुआ, जिसका जिला सचिव बैजनाथ यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में पार्टी पोलित ब्यूरो सदस्य धीरेन्द्र झा शामिल थे। बैठक को संबोधित करते हुए श्री झा ने भाजपा के खिलाफ गांव गांव में व्यापक आक्रोश है, इसलिए गांव गांव में भाजपा भगा लोकतंत्र बचाओ अभियान को मजबूती से चलाने के बाद ही फांसीवादी से मुकाबला किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सवर्ण मोर्चा के द्वारा बंद के दौरान दलित गरीबों पर हमला करने को लेकर दलित समुदाय में काफी आक्रोश है और इस आक्रोश का जवाब यह रैली देगा। जिला सचिव बैजनाथ यादव ने कहा कि 30 सितंबर को अपराधियों के बढ़ते मनोबल, पुलिस प्रशासन की निष्क्रियता के खिलाफ SSP के समक्ष आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया जाएगा। आयशा के राज्य सचिव सह विश्वविद्यालय संयोजक संदीप चौधरी ने विश्वविद्यालय सह संयोजक मयंक कुमार यादव, अजय कुमार ने दूरस्थ शिक्षा निदेशालय ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के प्रभारी निर्देशक डॉ. विजय कुमार को ज्ञापन सौंपा। निर्देशालय द्वारा स्कूल गुरु से किए गए समझौता को तत्काल प्रभाव से रद्द करने की मांग की। ज्ञापन में आयशा के नेताओं ने कहा कि निर्देशालय द्वारा स्कूल गुरु नामक कंपनी के हाथों संविदा के आधार पर कुछ कार्य दिया गया है, जिसकी वजह से निर्देशालय को भारी आर्थिक क्षति हो सकती है। नेताओं के निर्देशालय के हित में उक्त संविदा को तत्काल प्रभाव से रद्द करने व निदेशालय और विश्वविद्यालय की अस्मिता बचाने की मांग की, अन्यथा ऐसा आंदोलन को बाध्य होगी। स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत CM साइंस कॉलेज दरभंगा के NCC इकाई की ओर से स्थानीय अब्दुल कलाम आजाद चौक पर एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। इसमें कैडेटों ने अत्यंत प्रभावी ढंग से स्वच्छता के महत्व तथा प्रदूषण के दुष्परिणामों को प्रस्तुत किया। प्रदर्शन की अनुमति प्रदान करते हुए प्रधानाचार्य डॉ. प्रेम कुमार प्रसाद ने अलग अलग डस्टबिन तथा उनमें डाले जाने वाले अलग अलग प्रकार के कचरे तथा उसके प्रबंधन के बारे में विस्तार से बताया। कैडेटों ने संबोधित करते हुए NCC पदाधिकारी सुजीत चौधरी ने कचरा पृथकीकरण के महत्व पर विस्तार से चर्चा की। प्रदर्शन स्थल पर विभिन्न स्कूल कॉलेज के करीब 100 कैडेटों ने मौजूद थे। इस अवसर पर कैडेटों ने कॉलेज परिसर तथा परिसर स्थित चंद्रधारी बापू की प्रतिमा स्थल की साफ सफाई की। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानाचार्य द्वारा बापू चंद्रधारी सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया।